हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको रैप ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर रेयन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है और ये कपड़े की लेंथ है, यानी कि 2 मीटर कपड़ा है, जिसको मैंने बिल्कुल सेंटर से इस तरह से लेंथ वाइज पहले फोल्ड कर दिया है। और अब ये कपड़े के विड्थ है, यानी कि अर्ज कपड़े का जो है वो 44 इंच का है। अब हमें इसको एक बार विड्थ वाइज इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर देना है। इसको विड्थ वाइज फोल्ड करने के बाद ये जो लेंथ आई है, ये जितनी भी आपको रेडी नाप चाहिए पैंट की उतनी लें। तो मेरे को 37 इंच की चाहिए, तो मैंने 37 इंच लिया है। और ये 22 इंच की इसकी विड्थ आ गई है फोल्ड करने के बाद। अब यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से 2 फोल्डेड पार्ट्स हैं, यहाँ से चारों पार्ट्स ओपन हैं और यहाँ से भी चारों पार्ट्स ओपन हैं। अब ये जो यहाँ फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ पर, यहाँ से अंदर को हमें 4 इंच पे एक निशान लगा लेना है। तो ऊपर पे आप 4 इंच पे एक निशान लगाएं और इस निशान को नीचे तक थोड़ा सा दूरी तक इसको हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। तो ये लाइन खींचने के बाद ऊपर से हमें आसन की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में आसन की लेंथ है 11 इंच की, यानी कि 11 इंच की। तो 11 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस पॉइंट को फोल्डेड वाली साइड की तरफ पे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। अब ये आसन की लेंथ के लिए आप अपनी कोई भी पैंट या फिर जीन्स ले लें जिसका आसन आपको फिट आता है। तो उतनी लंबाई पर आप यहाँ पर इस तरह से रख के इसके लिए आप निशान लगा सकते हैं। मेरे उसमें ये फिट है, तो मैंने यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ पे हमें क्रॉच का कर्व बना लेना है। तो क्रॉच का कर्व बनाने के बाद ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पे, जिसके चारों पार्ट्स ओपन हैं, ये कोना आप लें और यहाँ पे हल्का सा घुमाव देते हुए इस तरह से निशान लगा लें। देखिए, तो ये मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें आसन को कट कर लेना है और फिर यहाँ पर जो ऊपर फोल्डेड वाली साइड है, इसको भी कट करके आप ओपन कर लें। और फिर ये जो हमने नीचे मार्किंग करी थी राउंड शेप वाली, इसको भी हमें कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए, कटिंग हमारे यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसके ऊपर वाले 2 पार्ट्स उठाने। देखिए, 2 पार्ट्स को आप उठाएं और इसको इस तरह से फैलाते हुए यहाँ पर रख दें। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जो आसन वाला हिस्सा है यू शेप का, वो बीच में आ गया है और दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सीधी तरफ को मुँह करते हुए रखे हुए हैं। अब हमें इसके आसन में 1/2 इंच की दूरी पर इस तरह से यू शेप में गोलाई में इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, मैंने इसमें इस तरह से सिलाई लगा दी है आसन में और दोनों पार्ट्स अच्छे से यहाँ पे जॉइन हो चुके हैं। अब हमें इसकी साइड्स को डबल फोल्ड करना है। तो पहले आप एक पार्ट उठाएं और यहाँ कॉर्नर को इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा दें। इसके जो कमर वाला हिस्सा है, इसको नहीं सिलना है, सिर्फ बाहर की जो 3 साइड हैं उसको सिलना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे सिलना है। तो देखिए, आप चाहें तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे उसमें सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन नीचे राउंड शेप है तो उसमें झोल आ जाएगा। तो इसके लिए पहले हम इसको एक ही बार फोल्ड करेंगे, 0.25 इंच तक का हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे का राउंड शेप आ गया है, तो आप हल्का हल्का सा मशीन को धीरे धीरे करते हुए इस तरह से राउंड में सिलाई लगाएं। और यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ राउंड में हल्का सा झोल आ गया है। तो ये झोल को सही करने के लिए आप इसमें प्रेस कर लेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। अब सेम इसी तरह से पूरे 3 साइड में हमें इसके सिलाई लगानी है। तो देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और प्रेस भी कर दी है। और इसकी जो नीचे की जो राउंड वाली साइड है, यहाँ पर भी ठीक ठाक सी फिनिशिंग आ चुकी है। और अब हमें इसको डबल फोल्ड करना है, मतलब एक बार और इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर से देखिए, इसको हम एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें एक बार और सिलाई लगा लेंगे, सेम उसी तरह से जैसी राउंड वाली साइड आएगी। आप धीरे धीरे मशीन को चलाते हुए इसकी गोलाई वाली साइड में भी सिलाई लगा लें। सेम इसी तरह से मैं पूरे उसमें सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसके पूरे दोनों पार्ट्स में इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा ली है 3 तरफ पे, और दोनों पार्ट्स में लगानी है। अब इसके कमर वाले हिस्से में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो अब हमें डार्ट्स डालनी है। तो डार्ट डालने के लिए यहाँ आसन वाली तरफ से अंदर को 6 इंच पे एक निशान लगाना है डार्ट के लिए। तो 6 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब इस पॉइंट से नीचे को हमें 5 इंच पे एक निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। अब ये लाइन के एक तरफ पे हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी 1 इंच पे ही एक निशान और लगा लेना है। अब
ये एक एक इंच पर निशान लगाया, अब दोनों को हमें नीचे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। सेम उसी तरह से डार्ट डालनी है जैसे हम अपने ब्लाउज़ वगैरह में डालते हैं। तो ये मैंने डार्ट डाल दी, अब हम इसको इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी हमें डार्ट डाल देनी है। तो यहाँ आसन की तरफ से बाहर को हमें 6 इंच पे निशान लगाना है, नीचे को 5 इंच पे लगाना है और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। दोनों तरफ पे एक एक इंच पे निशान लगा के इनको भी ज्वाइन कर देना है। तो ये डार्ट यहाँ पे बना ली है मैंने। सेम इसी तरह से हमें इसके जो पीछे वाले पार्ट हैं, अभी तो मैंने एक पार्ट में डाली है, देखिए दोनों ऊपर वाले हिस्से में डार्ट डाल रखी है, सेम इसी तरह से नीचे वाले हिस्से में भी हमें यहाँ पर डार्ट्स बना लेनी है। और ये मैं आपको सिल के अब दिखा देती हूँ कि कैसे सिलना है। तो ये डार्ट हमारी है, सेंटर वाली लाइन है, सेंटर वाली लाइन से कपड़े को इस तरह से हमें फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये जो लाइन आई हुई है टेढ़ी वाली, इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डार्ट में सिलाई लगा दी है और सीधी तरफ को पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। और अब सेम इसी तरह से हमें इसकी जो दूसरी तरफ वाली डार्ट डाली थी, इसको भी सेंटर से फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डार्ट्स में सिलाई लगा दी है दोनों तरफ पे, और पीछे वाली साइड के कपड़े में भी मैंने यहाँ पर इसमें डार्ट्स डाल दी हैं, दूसरी तरफ वाले में भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको फोल्ड कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। तो देखिए आप एक पार्ट ऊपर वाला पार्ट उठाएं इस तरह से, सेम इसी तरह से दूसरे वाले तरफ को भी उठाएं और दोनों को इस तरह से मिला दें। अब जो नीचे वाले दोनों पार्ट्स हैं उन दोनों के कोनों को एक दूसरे के साथ हमें मिलाना है। तो एक का कोना पकड़ें फिर दूसरे का कोना पकड़ें और इसको इस तरह से फोल्ड कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आसन जो है वो बीच में आ गया है, आसन वाला हिस्सा, और यहाँ साइड दोनों ओपन रहेगी। और जो इसका बॉटम वाला हिस्सा है, देखिए बॉटम वाले हिस्से में बाहर को यू शेप आया है इस तरह से, सेम इसी तरह से दूसरे वाले पाँव में भी यहाँ पर हम जब इसको फैला के देखेंगे तो यहाँ पर भी इस तरह से यू शेप आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसकी कमर बनाएंगे। तो कमर बनाने के लिए मैंने दो पट्टियाँ ली हुई हैं और ये पट्टी की जो विड्थ है वो है यहाँ पे 3 इंच की, और दोनों पट्टियाँ 3-3 इंच की हैं। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पर 30 इंच की ली है, 30 इंच की। और ये कपड़ा देखिए डबल फोल्ड में रखा हुआ है, यानी कि टोटल जो बेल्ट की लंबाई होगी वो 60 इंच की होगी। सेम इसी तरह से जो दूसरी पट्टी ली है वो भी मैंने 60 इंच लंबी ही ली है। और अगर आपके पास कपड़ा कम बच रहा है तो आप बीच में जॉइंट लगा के लंबी सी पट्टी बना सकते हैं। अब पहले मैं एक पट्टी को जॉइन करना बता देती हूँ। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको मैं हटा दे रही हूँ, क्योंकि एक तरफ में मैं पहले आपको बताती हूँ जॉइन करना। तो पहले हमें सेंटर मार्क करना है। तो देखिए बॉटम वाले का सेंटर तो ये है जहाँ पे आसन जॉइन हुआ है, ये सेंटर है। और सेम इसी तरह से हमें बेल्ट का सेंटर मार्क कर लेना है। तो आप बेल्ट के सेंटर को मार्क कर लें और फिर बेल्ट को इस तरह से ओपन करते हुए यहाँ पे रख दें। अब हमें बेल्ट को उठाना है और नीचे वाले कपड़े के ऊपर रख देना है। ध्यान रहे कि बेल्ट की सीधी तरफ नीचे बॉटम वाले की रॉन्ग साइड की ओर को रखी हुई होनी चाहिए, और मिलाते हुए रखें। ध्यान रहे कि दोनों का सेंटर मिला हुआ होना चाहिए, बेल्ट का और नीचे वाले का सेंटर मिला हुआ होना चाहिए। अब आप इसको पहले पिन से सिक्योर कर दें कमर वाले हिस्से में। तो पिन लगा दी है मैंने यहाँ पूरे में। अब हमें इसमें 1/2 इंच की दूरी पर इसमें सिलाई लगानी है। तो ये मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप 1/2 इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा लें। और देखिए डार्ट एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसको मैं बाहर की तरफ को फोल्ड कर रही हूँ। सेम इसी तरह से अब जो दूसरी वाली डार्ट आएगी वो भी बाहर की ओर को ही है नीचे को, अब इसमें भी हम 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसमें स्ट्रेट सिलाई लगा दी है। अब मैं इस बेल्ट को ऊपर की तरफ टर्न कर रही हूँ और जो बॉटम है उसको सीधी तरफ को पलट दे रही हूँ। सीधी तरफ को पलटने के बाद जो ये बेल्ट का ऊपर वाला कोना है इसको 1/2 इंच का फोल्ड करना है। फिर नीचे जो सिलाई आपको दिख रही है इस सिलाई तक का हमें इसको फोल्ड कर देना है और फिर इसको पिन से आप सिक्योर कर दें। सेम इसी तरह से बाकी की साइड में भी हमें इसको फोल्ड करते हुए पहले पिन से सिक्योर कर लेना है। तो देखिए मैंने पूरे में पिन लगा दी है। अब जो इसका कोने वाला हिस्सा है इसको कैसे सिलना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये बेल्ट है, यहाँ पे मैंने पिन से सिक्योर किया था। अब इसकी जो साइड वाला हिस्सा है, कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर, इसको हम सीधी तरफ की ओर को इस तरह से पहले पलट देंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से टेढ़े में इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ का कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर देना है, और कट करने के बाद इसको सीधी तरफ को आप पलट दें। सीधी तरफ को ये पलट दिया है। सेम इसी तरह से जो दूसरी साइड का कॉर्नर है उसको भी हमें बना लेना है।
अब इसको सिलना कैसे है देखिए। पहले हमें यहाँ का कोने को आधा इंच का अंदर को फोल्ड करना है और फिर यहाँ साइड के कपड़े को भी आधा आधा इंच अंदर को फोल्ड कर दें और फोल्ड करते हुए फिर हमें इसके पूरे कमर में सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ कॉर्नर में आपकी बेल्ट की जो दूसरी तरफ है वो भी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें भी आप आधा आधा इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लें। देखिए इसके कमर में मैंने सिलाई लगा दी है और बेल्ट यहाँ पर अटैच हो गई है। सेम इसी तरह से इसका जो दूसरा पार्ट है इसमें भी हमें बेल्ट लगा लेनी है। तो देखिए इसमें भी मैंने बेल्ट लगा ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइड वाला हिस्सा है ये ओपन ही रहेगा, इसको हमें नहीं सिलना है। और ये ट्राउज़र बन के तैयार हो गई हमारी। अब इसको पहनना कैसे है मैं बताती हूँ। तो देखिए पहले आप एक पार्ट ले लें, एक पार्ट लेना है और इसको हमें फ्रंट से लेते हुए पीछे अपनी बैक साइड में इसको बांध लेना है। इसको बांधने के बाद हमें इसका जो ये दूसरा वाला पार्ट है इसको लेना है और इसको हमें पीछे की तरफ करते हुए बैक साइड से लेते हुए अब हम इसको फ्रंट में बांध लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक साइड से लिया इस तरह से, अब इसको हमें यहाँ पे फ्रंट में बांध लेना है और ये ट्राउज़र बनके तैयार हो गया है।